सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रहलाद जी के नेतृत्व में हमारी कार्य समिति तैयार हुई और उसकी आज विधिवत मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से आज शुरू हो रही है। इसके लिए मैं प्रहलाद जी को और आप सबको और उनके सभी प्रमुख सहयोगियों को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे तो ये स्वप्नपूर्ति का आनंद है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार करते समय ये जो 42 करोड़ ये जो असंगठित क्षेत्र में हमारे गरीब मजदूर भाई श्रमिक भाई काम कर रहे हैं उनके सेवा के लिए उनके विकास के लिए और जब जब भी उनके ऊपर अन्याय होता है तो उनको न्याय देने के लिए हमारे इस संघर्ष हमारे इस संगठन का निर्माण हुआ है। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सिद्धांत मोटे तौर पर स्वीकार किए हैं उसमें से आप सबको पता है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, देशभक्ति ये हमारे जैसे खून में है और देश की हमारे राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास ये हमारा मिशन है। हम ऐसे देश को बनाना चाहते जो भय भूख और आतंक से मुक्त है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हम करते हैं तो सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्त समाज का निर्माण करना ये भी हमारा मिशन है। छुआछूत जातीयवाद अस्पृश्यता इन सब बातों को हम समाप्त करना चाहते हैं और मानवता के आधार पर सत्ता संपत्ति या क्राइटेरिया का विचार न करते हुए मानवता इंसानियत के आधार पर हम सभी असंगठित क्षेत्र में गरीब लोग जो कार्य कर रहे हैं उनके संगठन को निर्माण करके उनको समाज की और राष्ट्र की मुख्य धाराओं से जोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा जैसा है वैसे हम राजनीतिक पार्टी के नाते जहां हम चुन कर आते हैं वहां सत्ता के माध्यम से गुड गवर्नेंस के द्वारा हम विकास की ओर जाए। और जब विकास की बात हम करते हैं तो विकास किसका हो, तो समाज में जो शोषित है पीड़ित है दलित है जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं आज भी समाज में जिनको सम्मान का स्थान नहीं है ऐसे समाज के हमारे सभी बंधुओं को हम भगवान माने और हम उनकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उनको रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा उस दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसे अंत्योदय के विचार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको मार्गदर्शन किया। तो हमारा श्रमिकों का संगठन जो है उसकी प्रेरणा दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचारों से प्रेरित होकर आई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ हम संगठन को मजबूत बनाते समय समाज के इस असंगठित क्षेत्र के गरीब लोगों को साथ में लेकर उनका संगठन निर्माण कर रहे हैं और जब वो हमारे मेंबर बन जाते हैं तो हमारी ये कटिबद्धता है कि हम उनके सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम करें, उनको अच्छे मकान मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य के बारे में हम चिंता करें और वो किसी भी हालत में आज की आर्थिक स्थिति हमारे देश की ठीक नहीं है। भूखमरी बेरोजगारी और महंगाई ने हमको इस प्रकार से हालत बना दी है कि गरीब आदमी एक समय की रोटी भी नहीं खा सकता, ऐसी मुश्किलें बड़ी हैं। लगातार हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्लानिंग कमीशन के लोग अनेक रिपोर्ट के द्वारा बता रहे हैं कि भले कांग्रेस ने नारा दिया था हम गरीबी हटाओ गरीबी हटाएंगे पर गरीबी तो हट नहीं रही है, पर गरीबों को पूरी तरह से बर्बाद करने का कार्य कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभावी रूप से चल रहा है। जब हम समझ रहे थे कि देश को एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला
तो ऐसी आर्थिक नीति देश में आएगी जिसमें गरीब आदमी के साथ न्याय होगा, महंगाई, भुखमरी और गरीबी दूर होगी और स्वस्थ और अच्छे समाज के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया गतिशील होगी। आर्थिक तज्ञ के रूप में माने जाने वाले इस प्रधानमंत्री से हमारे देश की वो अपेक्षा थी, पर उसके विपरीत हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब मजदूर जो है, श्रमिक है, जो काम करने वाला है, वो भी भुखमरी के कारण उसके ऊपर भी आत्महत्या करने की स्थिति देश में पैदा हुई है। ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर मेडिकल के हिसाब से कोई स्वास्थ्य की सेवा लेनी है तो डॉक्टर के पास जाकर फी नहीं दे सकते और रोटी भी एक समय की खाना मुश्किल हो गया। ये गरीब की हालत है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने कहा, मैं बार बार इसको उजागर करता हूँ कि देश में 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है और आज के ज़माने में 20 रुपये प्रतिदिन में कैसे जी सकते हैं, ये तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ही देश का मार्गदर्शन करें। और ये जो भूखमरी है, गरीबी है, महंगाई है और अमीर और गरीबों के बीच में ये जो रेखा बढ़ रही है, जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका सही अर्थ में कारण अगर कोई है तो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन का ये परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी इंटीग्रेटेड सोचती है। हमको देश का विकास भी चाहिए, पिछड़े हुए क्षेत्र में हम उद्योगों का विकास भी चाहते हैं, खेती के लिए पानी मिलना चाहिए ताकि ग्रामीण भाग की परिस्थिति सुधर जाए, ताकि हमारा कृषि उत्पादन 2 गुना 3 गुना बढ़े और इसके कारण गांव में और शहरों में नए रोजगार की निर्मिति हो। मेरा विश्वास है कि अगर ठीक प्रकार से आर्थिक नीति अपनाई जाएगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर देश में करीब 2 करोड़ युवाओं के लिए नए रोजगार हम निश्चित रूप से निर्माण कर सकते हैं। ये कठिन बात नहीं है, केवल इच्छा शक्ति चाहिए और इस इच्छा शक्ति का अभाव, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता है उसका अभाव, और राजनीति में बात भले बड़े बड़े विचारों की होती है पर सच्चाई ये है कि आज हमारे देश में ये पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां तो छोड़ दो, ये फैमिली पार्टियां बनी हुई हैं। कोई पति पत्नी और लड़का ये पार्टी के नेता है, कहीं माँ बेटों की पार्टी है, कहीं पिता पुत्र की पार्टी है। लोगों को इसके कारण कोई शर्म भी नहीं आती कि अपने पत्नी को, अपने भाई को, अपने लड़के को, लड़के के पत्नी को एक से एक लगातार टिकट बांटते समय उनको कोई संकोच भी नहीं होता। बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा फुले, शाहु महाराज, मानवता, इंसानियत सब बातें करते हैं पर परिवारवाद लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। किसी नेता का लड़का अगर बहुत कर्तृत्ववान होगा तो उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर आज तो कुछ लोगों की राजनीति में उनका स्थान केवल इसीलिए है कि कोई फलाने व्यक्ति की पत्नी है, कोई फलाने व्यक्ति का पुत्र है, इसके कारण ही लोग उनको, उनकी पूजा करते, उनके पीछे दौड़ते हैं। ना उनको कृषि क्षेत्र की जानकारी है, ना मजदूरों के दुखों की कोई परवाह है, ना गरीब आदमी किस प्रकार से जी रहा है इसकी कोई कल्पना है, पर केवल विरासत के रूप में मिली हुई सत्ता, ये हमारी और हमारे परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और एक मालक और मालकिन है और बाकी काम करने वाले नौकर जैसे बिहेव करते हैं। कोई सफाई कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई सब्जी खरीदने के लिए जा रहा है, इस प्रकार के नौकर के रूप में बर्ताव और बिहेव करते हैं। ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक स्थिति की अनेक पार्टियों के तरफ देखकर हम सबको एहसास होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते ही आपके जैसा मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और इसीलिए
ना मेरे पिता कोई मुख्यमंत्री थे, ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना माँ कोई एमएलए एमपी थी, ना मेरे परिवार को कोई राजनीतिक विरासत थी, पर भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते मेरे जैसे एक सामान्य घर का सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है।